Assalamu alaikum and very good morning, dear students. Today, we will read a poem, The Solitary Reaper by William Wordsworth. This poem is about Wordsworth's tour to a remote valley in Scotland. So in a very calm atmosphere of natural beauty, he came across a pretty girl walking alone in the fields, and she was singing a melancholy strain. She was singing a sad song. So when the poet heard this song, he compared it to the beautiful voice of Nightingale, and he felt as if the whole of the highland, the hills, the plains have been surrounded by her beautiful voice. And most important fact of that poem is that the poet even didn't know the language she was singing her song in, but still he was so captivated by her beautiful voice. So let's start reading the poem and see what impact it does create. Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Behold her, जरा उसको देखो, single in the field, जो मैदान में तन्हा है, yon solitary highland lass, yon जैसे पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं दूर उस तरफ, solitary एक अकेली highland lass, highland बोलते हैं आप किसी पहाड़ी इलाका को, और lass लड़की को, उस लड़की को देखो ज़रा, reaping and singing by herself, जो कि काम भी कर रही है, रीपिंग यानी फसल भी काट रही है, एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ और गाती भी जा रही है. स्टॉप हियर और जेंटली पास, तो या तो तुम यहाँ रुक जाओ और रुक के उसका देखो, काम देखो और उसका गाना सुनो, और जेंटली पास या फिर खामोशी से गुजर जाओ, सो दैट यू माइट नॉट डिस्टर्ब हर, यू माइट नॉट इंटरप्ट हर. सो what we get to know about the atmosphere of the poem, हम देखते हैं कि इसमें harvest imagery है. The poet has captured a natural scenery with hills, with the highlands, and he has put the main character, the girl, the center of attraction, a Scottish girl who was cutting the crop in a green field. अब उसके साथ that there is complete silence and isolation. And she is singing so keenly that she herself has become a part of the nature. That is why the poet asks us not to disturb her, so that the beauty of her song might not be disturbed. That is why he also urges everyone to pass by her without interrupting her. Move to next stanza. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. अलोन शी कट्स, वो अकेली ही है वो ग्रेन को, जो उसके पास गल्ला है उसको काटती भी है, उसको बांधती भी है, एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, और उसके साथ मेलनकली होता है कोई सैड पेनफुल स्ट्रेन, कोई म्यूजिक का एक पार्ट, एक सिम्फनी, एक बड़ा कोई सैड म्यूजिक वो गा रही है. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. ओ लिसन, द पोएट इज कॉलिंग योर अटेंशन. ओ लिसन, ज़रा सुनो तो, क्योंकि जो वेल, जो वादी है, प्रोफाउंड बहुत डीप है, वो बहुत घनी है, एंड इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और जो उसकी आवाज़ है उससे भरी हुई है. अब इसमें अगेन आप देखते हैं कि जो नेचुरल इमेजरी है, नेचुरल सीन, उसको पोइट ने यूज़ किया है. सेकेंडली ही हैज़ यूज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गर्ल, लाइक द गर्ल इज़ सीन वॉकिंग, वो काट रही है, वो बाइंड कर रही है, हमारी आंखों के सामने उसकी एक पिक्चर घूम रही है. सो दिस एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग इज़ टर्म्ड एज पिक्टोरियल राइटिंग, कि जब आपकी आंखों के सामने एक पूरा इमेज जो है वो चलता है, एंड ही इट हैज़ सर्टन काइनेटिक्स इन इट. काइनेटिक्स होता है जब कोई काम हो रहा हो, कोई एक्शन जो है वो टेक प्लेस हो रहा हो. अब इस लाइन की जो है वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, कि शी इज़ प्रॉबली सिंगिंग अ सॉन्ग इन अ सैड टोन, वो कोई हैप्पी सॉन्ग नहीं है, लगता है जैसे कोई उदास सा नगमा गा रही है.
बट उसमें क्या होता है, हर स्वीट वॉइस इज एकोइंग थ्रू आउट द डीप एंड वैस्ट वैली. शी इज कॉन्टिन्यूसली बिजी इन कटिंग एंड बाइंडिंग हर ग्रेन. इट माइट शोज हर स्किल ऑफ कटिंग द क्रॉप एंड हर आर्टिस्टिक एक्टिविटी ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग एट द सेम टाइम. सो दीज आर ऑल अ ग्रेट सोर्स ऑफ डिलाइट एंड प्लेजर. मूव टू नेक्स्ट स्टैंजा. नो नाइटिंगेल डिड एवर शैंट मोर वेलकम नोट्स टू वीरी बैंड्स. अब उसके सॉन्ग को उसने कंपेयर किया है नाइटिंगेल के सॉन्ग के साथ, यानी बुलबुल के साथ, कि किसी नाइटिंगेल ने भी डिड एवर शैंट, ऐसा कोई सॉन्ग जो है शैंट होता है गुनगुनाया नहीं होगा, मोर वेलकम नोट्स टू वीरी बैंड्स. वीरी बैंड्स होते हैं थके हारे मुसाफिर जो दूर दराज का सफ़र करके आए, तो जब वो किसी नाइटिंगेल का गाना सुनते हैं तो उन्हें खुशी का एहसास होता है, वो अपनी सफ़र की थकान भूल जाते हैं. लेकिन जितना खूबसूरत गाना ये लड़की गा रही है, इतना खूबसूरत तो किसी नाइटिंगेल ने भी नहीं गाया होगा जो उनकी सफ़र की थकन को ख़त्म कर सके. ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, उन मुसाफिरों की थकन हु आर स्टेइंग इन सम शेडी हॉन्ट, सहरा में किसी सायादार जगह की तलाश में हो, अमंग अरेबियन सैंड्स, जो गुजर रहे हों अरेबियन सैंड सहराओं में से. ठीक है, अब ये उसी चीज़ को एक्सपैंड किया जा रहा है. अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, एक आवाज़ जो इतनी ज़्यादा थ्रिलिंग, इतनी ज़्यादा पुरजोश हो, इससे पहले कभी नहीं सुनी गई. इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, यहाँ तक कि बहार के मौसम में कुकू बर्ड से भी इतनी खूबसूरत आवाज़ सुनाई नहीं दी गई होगी. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जो कि समंदरों का सकूत भी तोड़ती हुई जाती है. अमंग द फार्थेस्ट हेब्रिड्स, और वो दूर दराज जो है, यहाँ हेब्रिड जो है ये मेंशन किया हुआ है स्कॉटलैंड के ओशन को, कि स्कॉटलैंड के ओशन पे भी दूर तक खामोशी को तोड़ती हुई चली जाती है. अब इतने अगर आप स्टैंजा थ्री पे गौर करें, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, आपने इसको जहन में रखना है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए, आपको इसके एक्सप्लेनेशन करनी पड़े. तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट, कंपेयर किया गया है गर्ल की मेलोडियस वॉइस को नाइटिंगेल और कुकू बर्ड के साथ, एंड इन द फाइनल कंपैरिजन द गर्ल विंस इवेंचुअली. सेकेंडली, द स्कोप ऑफ दिस स्टैंजा मूव्स फ्रॉम अ हाईलैंड टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक हाईलैंड गर्ल जहाँ पे वो खड़ी है, एक स्कॉटलैंड का एरिया, उसको बताते हुए राइटर आपका स्कोप लेके जाता है अरेबियन सैंड्स की तरफ. उसकी जो डेमोग्राफिकल लोकेशन है वो एक्सपैंड होती है, हमारे सामने एक डेजर्ट है जहाँ पे उसकी आवाज़ जो है उनको रिलीफ दे सकती है. फिर वहाँ से आपको हटा के वो स्प्रिंग में कुकू बर्ड की तरफ लेकर आता है. डेजर्ट से फ़ौरन हमारी सीनरी चेंज होती है, हम एक बाहर का मंजर जो है उसको विजुअलाइज़ करते हैं. अभी उस मंजर में शायद हम ठीक से बैठ नहीं पाए हैं. राइटर टेक्स अस, द पोएट टेक्स अस बाय द कॉलर एंड देन ही गिव्स अस अ व्यू ऑफ द सीज, फिर वो हमें ओशन की तरफ ले जाता है. यानी ये तीन मेजर डेमोग्राफिकल लोकेशंस बता के उनके साथ कंपैरिजन करके फाइनली द पोएट एस्टैब्लिशेस हिज पॉइंट दैट दिस मेलोडियस वॉइस ऑफ गर्ल इज फार मोर मेलोडियस and soothing and relaxing for everyone, for every location and then any other bird who sings so good. ठीक है बेटे, now move to next stanza. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. अब यहाँ question है, क्या कोई मुझे बताएगा वो क्या गा रही है? Perhaps the plaintive numbers flow. शायद चीज़ को plaintive, plaintive का मतलब है sad, melancholic. Numbers जो गाना है उसको हम number बोलते हैं, strain बोलते हैं, track जैसे आप बोलते हैं. So शायद उसका ये जो एक sad song है ये बताता है for old, unhappy, far off things. अब वो सोच रहा है कि वो किस चीज़ के बारे में गा रही होगी. He doesn't know the language. So he is guessing कि maybe वो कुछ पुरानी, कुछ ना खुशगवार, फार ऑफ थिंग्स, ऐसी बातों के बारे में गा रही है जो बहुत पहले हो गई हैं.
एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या फिर बहुत पुरानी बैटल्स के बारे में, और इट इज़ मोर अ हम्बल ले, या फिर हो सकता है कि वो किसी मामूली से किस्से के बारे में, हम्बल ले कोई मामूली बात, ऑर्डिनरी बात, फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, हो सकता है कोई आज का ही कोई वाक्या हो जिसने उसको तकलीफ दी हो उसके बारे में गा रही हो, सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगैन, और हो सकता है वो कुछ नेचुरल सॉरो, कोई किसी गम के बारे में, कुदरती गम के बारे में, तकलीफ के बारे में बात करी हो, दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगैन, जो हो चुका हो या हो सकता है वो आने वाला हो. अब यहाँ पे उसका गेस वर्क चल रहा है एंड थिंक्स दैट हर सॉन्ग इज़ अबाउट अ ग्रीफ, अ लॉस, अ सफरिंग विच हैव बीन हैपेंड इन द पास्ट और मे बी हैपेंड अगैन. ही कैन डेफिनेटली से एनीथिंग अबाउट द एग्जैक्ट थीम ऑफ द सॉन्ग बिकॉज ही डजेंट नो द सॉलिटरी रीपर्स नेटिव लैंग्वेज. सो ही फॉर्म्स एन ओपिनियन डबल माइंडेडली and says that her song may be about the losses, may be about tragedies or battles that she might have seen or heard about her in her past life. Move to next stanza. Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. Bahar, conclusion. कि उसके song की जो भी theme हो, the maiden girl की बात हो रही है क्योंकि वो दुशीता is a young girl, जो भी गा रही है, as if her song could have no ending, ऐसा लगता है जैसे उसके सॉन्ग का कोई इख्तिताम नहीं है. एंड एवर कंटिन्यूइंग एंड एवर फ्लोइंग सॉन्ग इज इट इज़. आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बैंडिंग. अब मैंने उसको अपने काम के साथ साथ गाते हुए देखा है एंड ओवर द सिकल बैंडिंग. सिकल होता है जिसे आप फसल काटते हैं, जो टूल होता है, उस टूल के साथ मैंने उसको झुकते हुए देखा है. Yani kinetic, again, she's moving, she's walking and singing at the same time. I listened motionless and still. Main uske song ko sunta raha, motionless and still. Bila, bagair kisi harkat ke, main ruk ke usko sunta raha. Ab aap dekhiye ki poet ne is poem mein bitte aapke bahut sari nerves ko jo hai wo call kiya hai, theek hai? Like he is calling your auditory sense as well. Auditory sense hota hai when you hear, and he is calling your you know, your watching sense, कि किस तरह से आप चीज़ों को अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं और ऐसा एहसास होता है जैसे आप अपने कानों से उसका सॉन्ग सुन भी रहे हैं. So I listened motionless and still. So बिना किसी हरकत के, साकिन हो के, बिल्कुल रुक के मैं उसका सॉन्ग सुना. And as I mounted up the hill, और जब मैं वापस पहाड़ी पर चढ़ने लगा, जब मैं वापस जाने लगा, the music in my heart I bore long after it was heard no more. बहुत important lines हैं कि ये वाला जो music है, जो गाना था उसका, in my heart I bore, मैंने अपने दिल में रखा, बोर निकला है बेयर से, कि दिल में रखा मैंने, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज़ हर्ड नो मोर, यहाँ तक के बड़े अरसे तक जब ये सुना भी ना जा सकता था. सो व्हाट्स एक्चुअल पॉइंट, कि उस मौसीकी ने तब तक मेरे दिल में हलचल मचाए रखी, हालांकि काफ़ी अरसे तक मैंने ऐसी मौसीकी दोबारा फिर कभी नहीं सुनी. So, अब ये क्या चीज़ है, he bears a music in his heart forever because it was that beautiful. Whenever he's alone, whenever he's solitude, whenever he's dejected, he recollects his splendid meeting with a pretty highland girl and he enjoys a lot. क्योंकि जाहिर है म्यूज़िक जो है हम कहते हैं कि वो अंदर तक, गहराई तक असर करता है. It has certain power to hold our heart strings. तो वही उसका एक ऐसा melancholic note था जो कि poet को हमेशा याद रहा है, और उसके लिए even when he didn't hear it afterwards, but that song, that melancholic strain was a source of inspiration and soothing for him. ठीक है बेटे, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ पोएम. नाउ लेट अस डिस्कस द सेलियंट पॉइंट्स इन आवर क्लास. गुड डे.